ट्रैश टूल मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल और आपको आज जो हूं इंटरव्यू के बारे में, जो भी डाई फिटर डाई मेंटेनेंस का जो भी दोस्तों इंटरव्यू होता है, जितने भी भाई मेरे इंटरव्यू देने जाते हैं या जिन्होंने आईटीआई कर रहे हैं, जो आईटीआई कर चुके हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे ट्राई करते हैं, तो दोस्तों मैं उनके लिए आज जो हूँ वो मेरा जो अभी पिछला इंटरव्यू रहा है, तो मैं उसके बारे में वहाँ पे जो जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं तो उसके बारे में आपको जान के हेल्प मिलेगी कि टूल एंड डाई मेकर्स टूल रूम से रिलेटेड अगर आप डाई मेंटेनेंस में डाई फिटर की या डाई डेवलपमेंट में जॉब करना चाहते हैं या जॉब करने नई जगह के लिए अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, सैलरी कम है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल करते हैं वो आज मैं, अभी मेरा जो हाल ही में नया इंटरव्यू हुआ है तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा जो अभी हाल ही में जो मेरा इंटरव्यू हुआ है नया, तो अभी दो दिन पहले हुआ है, लुधियाना में एक जगह है वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था, तो वो मेरे से वहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे गए, ऐसा मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है वो लाइफ में आगे आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको दिक्कत ना आए। आप शीट मेटल से रिलेटेड हो, शीट मेटल से आपका ट्रेड है, टूल एंड डाई मेकर की आईटीआई कर रहे हो, प्रेस टूल की आप जो है वो नॉलेज चाहते हैं, या प्रेस टूल से रिलेटेड आपकी फील्ड है, चाहे आप प्रेस शॉप में जो है सुपरवाइजर लेवल के लिए या टूल रूम डाई फिटर डाई मेंटेनेंस में डाई फिटर की जॉब के लिए, डाई मेंटेनेंस में जो है दोस्तों आप टेक्नीशियन की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको ये सवाल जो है वहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। जो इंटरव्यू लेने वाला है जो पर्सन है, टूल रूम का हेड हो सकता है, टूल रूम का सुपरवाइजर हो सकता है, वो जो सवाल है वो आपसे पुट कर सकता है। तो दोस्तों इनके जो आंसर है मैं आपको नहीं दूंगा, आपको जो है मेरे कमेंट सेक्शन में जो है वो आपको इनके आंसर लिखने हैं, ताकि जो है जो चीज़ें मुझे नहीं पता वो आपसे पता चले और जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो मैं आपको गाइड कर सकूँ। इंडस्ट्री में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडस्ट्री में जो है वो आपको ना आए आगे चल के, जो भी आप सिचुएशन जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको इतना ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको जो है वो सवाल बताता हूँ जो मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आपका टाइम ख़राब ना करते हुए दोस्तों पहला जो सवाल है मैं आपको बता दूं, पहला सवाल मेरे से पूछा गया था कि जो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर जो है वो वर्नियर कैलिपर काम करता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में देना है नीचे, इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलेगा। दोस्तों दूसरा जो मेरे से सवाल था वो ये पूछा गया था कि माइक्रोमीटर का जो है वो लीस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है और माइक्रोमीटर का भी प्रिंसिपल जो है वो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे जो है वो माइक्रोमीटर काम करता है आपका, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, ये दो चीज़ें मेरे से जो है सेकंड टाइम इंटरव्यू में पूछी गई थी, या इसका जो भी आपने आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आगे जो थर्ड क्वेश्चन था मुझसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आप रेती को क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, रेती जानते हो, ये पूछा गया था मेरे से, तो मेरा तो रिस्पांस था फाइल बोलते हैं, तो अभी फाइल का जो उन्होंने पूछा था कि फाइल की जो आगे की जो कर्व शेप होती है, पीछे से तो जो फ्लैट फाइल है वो फाइल फ्लैट रहती है, बट आगे से जो फाइल की जो शेप है वो कर्वड रहती है, तो करवट क्यों रहती है इसके बारे में, तो दोस्तों मुझे आंसर नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ, बट आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है वो स्टीक आंसर जो भी है इसका वो देना है, ताकि मुझे भी पता चले और आपकी भी इसमें आगे जाके हेल्प हो। हाँ, ये क्वेश्चन किया गया था जो फाइल्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, फाइल्स के बारे में, फाइल्स के जो टाइप्स हैं, फाइल्स कितनी तरह की होती हैं, ये सवाल मेरे से पुट किया गया था। लिमिटेड ग्रुप की ये कंपनी थी लुधियाना में जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था, कंपनी अच्छी थी, 5S वगैरह, काइजन, इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे कंपनी, बट जो था इंटरव्यू जो मैं सवाल पूछे गए थे वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेवल प्रोटेक्टर का जो होता है लीस्ट काउंट कितना होता है, बेवल प्रोटेक्टर एंगल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, आप सभी जानते हैं जितने मेरे आईटीआई में भाई अभी पढ़ रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा कैसे उससे एंगल चेक करते हैं, और उसका लीस्ट काउंट पूछा गया था कितने मिनट होता है या कितने डिग्री होता है, जो भी है उसको आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर बताना है। दोस्तों ये काम मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि प्रेस टूल में कंपोनेंट के हिसाब से, प्रेस टूल में जो पहले मुझे कंपोनेंट दे दिया गया, कंपोनेंट के हिसाब से मुझे प्रेस टूल डिज़ाइन करना था, इसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हो रहा था, सेकंड नंबर पे कौन सा ऑपरेशन होगा। दोस्तों आपको कोई भी है डायरेक्ट
जो भी है वो प्रेस टूल डिजाइन करने के लिए नहीं देगा, सबसे पहले आपको कंपोनेंट देगा। कंपोनेंट के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि कंपोनेंट में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इसमें जो है वो ब्लैंकिंग हो रही है, फर्स्ट में ड्रॉ हो रहा है, तो आपको जो है कंपोनेंट देख के आपको बताना है कि पहले ये ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन का टूल बनेगा, फिर सेकंड में ये ऑपरेशन का टूल बनेगा, फाइनल तक कैसे पहुंचेगा, तो जो है आपको वो क्लियर बताना होता है। अगर आप ITI कर रहे हो तो अपने टीचर से इस बारे में पूछिए, क्योंकि आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धक्के कारण खाने पड़ेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी आपको घर से लेके जाएगी, आपको दर बदर भटकना पड़ेगा, ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑटो नहीं जाता, जहाँ पे अगर आपका अपना कन्वेंस है, बाइक वगैरह है, मोटरसाइकिल्स है, आप जा सकते हो। अदरवाइज आपको जो है पैदल ही 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर कंपनियाँ होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में ना तो कोई व्हीकल जाता है, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इतने दूर जाएं, आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएं। आप इतना दूर जाओगे, किराया खर्च करोगे, बाइक पे जा रहे हो, तेल खर्च करोगे। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था कि जो फर्स्ट एंगल और जो थर्ड एंगल होता है उसका जो सिंबल होता है, मेरे से सिंबल बनवाया गया था फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का, जो सिंबल है उसमें क्या डिफरेंस है, किधर को फर्स्ट एंगल का सिंबल बनेगा, ये आपको दोस्तों रट्टा मार लेना है, आप जैसे मर्जी इसको रट लीजिए। ये सवाल पक्का पूछते हैं फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में आपसे ड्राइंग बना के, आपको फ्री हैंड स्केच ड्राइंग बनानी आनी चाहिए दोस्तों। जरूरी नहीं, वहाँ आपको कोई स्केल नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपके पास एक पेन होगा, ब्लू कलर का पेंसिल होगा, उसके आपको जो है स्केच बनाना होगा। तो दोस्तों ये जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद थर्ड जो सवाल था, वैसे बड़ी कंपनीज हो या छोटी कंपनियां हो, लिमिटेड ग्रुप हो या MNC कंपनियां हो, इन सब में वैसे ये जो जेन्युइन सवाल जो है या जेन्युइन जो काम दिया जाता है, सबसे पहले आपको जो भी चेक शीट होती है कम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए चेक शीट होती है, आप चाहे डेवलपमेंट में जा रहे हो, मेंटेनेंस में जा रहे हो, बट अगर आप टूल मेंटेनेंस में जा रहे हैं तो आपको जो है चेक शीट कम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको भरने के लिए दी जाएगी। तो इसमें आपको जो है रिपोर्ट भरनी होती है, रिपोर्ट में आपको सारा भरना होता है, आपने टूल में क्या किया, टूल की प्रोडक्शन कितना टूल देके आया है, टूल की प्रोडक्शन मेंटेनेंस के बाद प्रोडक्शन कितनी देगा टूल, तो आपको ये सारी जो डाटा है भरना पड़ता है ताकि पता चले कि आपके काम के बाद टूल ने कितनी प्रोडक्शन दी है, टूल में कितना फर्क पड़ा है। तो दोस्तों ये जो सवाल है पूछे जाते हैं। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जो इन सवालों का जो जवाब है वो मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्द से जल्द इन सवालों का जो जवाब है वो दें, ताकि मुझे आपका रिस्पांस पता चले और आपको भी हेल्प मिले। जो आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इतनी दूर आप स्ट्रगल करके पूरा दिन अपना खराब करके, अपनी दिहाड़ी खराब करके, या ITI से आपके पास आपके माँ बाप आपको इंटरव्यू के लिए जगह जगह भेज रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो एटलीस्ट आपको इजीली जॉब मिल जाए। बाकी दोस्तों आपको जाते जाते एज ए प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो, आपको ये पढ़ने आने चाहिए, हाथ देख के ही, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको हाथों हाथ अगर नहीं आता तो स्टडी कर लीजिए। मशीनिंग की हल्की फुल्की नॉलेज आपको होनी चाहिए, डाइफिटर डाई मेंटेनेंस की जॉब के लिए जरूरी नहीं मशीनिंग की नॉलेज हो, बट होनी चाहिए, जरूरी है, हो सकता है वहां पे आपको हेल्पर मिले ना मिले। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, इतनी सी नॉलेज के साथ जो मैं वीडियो लेके आया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और जो है कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दीजिए ताकि आपका रिस्पांस मुझे पता चल सके। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो प्रेस टूल के बेसिक्स पे लेके आऊँगा, प्रेस टूल से रिलेटेड ही, क्योंकि जो मेरा जो चैनल है प्रेस टूल मेकर का, वो बेसिकली आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचे इंडस्ट्री में और ITI में क्या फ़र्क है, ITI के बाद जो है वो स्टडी करने के बाद इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली काम में कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें आती हैं, जॉब का स्टेप होता है, या इसमें आपको मैं सैलरी बता दूंगा, ग्रॉस सैलरी और CTC सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, या इन हैंड सैलरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट।